देहरादून में आज भी रेड अलर्ट जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज मंगलवार सुबह से ही बदला हुआ है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक अभी भी राज्य में 27 अप्रैल की शाम तक के लिए रेड अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के तकरीबन 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कई हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। यही नहीं, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि अगले 48 घंटे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है। जो 48 घंटे हैं वो उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी अब मुस्तैद हो गया है। तो कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 6 जिलों में भारी बारिश का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन की तरफ से सभी जिलों को सूचित कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से आ रहे। रुद्रप्रयाग में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई है। कुंड चौपता गोपेश्वर मोटर मार्ग बाधित हो गया है। चुन्नी भारत सेवा आश्रम तिराहा सिरसोली पर मलबा आ गया है और सड़कों पर फंसी कई गाड़ियां, साथ ही साथ अब लोग परेशान भी यहां पर हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। सिरोह बगड़ शिवानंदी राजमार्ग बंद है। केदारनाथ हाईवे भटवाड़ी सेंट का रास्ता भी बंद हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रुद्रप्रयाग में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुंड चौपता गोपेश्वर मोटर मार्ग बाधित हो गया है। मलबा आ गया है। चुन्नी भारत सेवा आश्रम तिहराहे सिसोली पर मलबा आ गया और सड़कों पर फंसी कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। सिरोह बगड़ शिवानंदी राजमार्ग बंद हो गया है और साथ ही साथ कल रात से जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग के अंदर कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। चुन्नी भारत सेवा आश्रम तिराहे सिरसोली पर मलबा आ गया है। सड़कों पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। 48 घंटे मौसम विभाग की तरफ से भारी बताए जा रहे हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।